हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 12 वोल्ट बैटरी से होम थिएटर चलाएंगे। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है, आपने कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इसका ट्रिक बताओ, तो आज मैं इसका ट्रिक लेके आ गया हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्मार्ट एक्स प्रो किट्स, मोर अबाउट देम लेटर। दोस्तों हम इसमें आज यूज करेंगे एक बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल, इसके साथ यूज करके हम 12 वोल्ट बैटरी से 24 वोल्ट बनाएंगे। लेकिन ओनली 24 वोल्ट से होम थिएटर नहीं चलने वाली है, क्योंकि होम थिएटर चलने के लिए 12 वोल्टेज की जरूरत है, मतलब एक सेंटर टैप चाहिए जिसमें 24 वोल्ट की रेंज में बीच की एक 12 वोल्ट की एक लाइन रहेगी। तो इसके अक्रॉस में ऊपर में प्लस 12 वोल्ट और नीचे में माइनस 12 वोल्ट आना चाहिए, तभी ये होम थिएटर की बोर्ड सब राम करती है। तो आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, इसका डायग्राम वगैरह आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। फर्स्ट बात कर लेते हैं इस बोर्ड की कनेक्शन के बारे में और ये मिलेगा कहाँ पे। तो इस बोर्ड की जो कनेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको यहाँ पर देखिए इन प्लस इन माइनस और आउट प्लस आउट माइनस, ये चार लिखा दिख जाता है। तो यहाँ पर इन प्लस माइनस होगी और यहाँ पर आउट प्लस माइनस निकलेगी, और ये होता है बूस्ट कन्वर्टर। और इसका देखिए एक एरो रहेगा, वो एरो इन से आउट की तरफ रहेगा। और इस बोर्ड का आईसी का नाम है HS6019। ओके, तो भाई इसका इन प्लस माइनस में दो तार लगा दिया बैटरी कनेक्टर के साथ। बैटरी में वोल्टेज है 13 वोल्ट और इसको इसमें लगाते हैं। तो आप जब लगाएंगे तो ये प्लस माइनस हमेशा चेक करके लगाए, अगर ये गलत हो गया तो ये आईसी आपका तुरंत ख़राब हो जाएगा। इस बोर्ड को यूज करने से पहले ही आप ख़राब कर देंगे, तो आप प्लस माइनस देख के ही हमेशा कनेक्शन करें, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इसका इनपुट में वोल्टेज है 13 वोल्ट और आउटपुट में बूस्ट होकर मिल रहा है 23.6 वोल्ट जैसा। इसको हम एडजस्ट कर सकेंगे इस पॉट को घुमा के। तो ये देखिए मैं लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ तो बढ़ रहा है ये इस वाली पॉट से, तो इसको राइट साइड घुमाएंगे तो ये कम होने लगेगा। तो ये अभी 21 वोल्ट है, हम इसको 24 वोल्ट में सेट करेंगे जो होम थिएटर को चाहिए। ओके, तो भाई इसमें हमें 24 वोल्ट तो मिल गया, लेकिन सेंटर टैप जो 12 वोल्ट की लाइन वो कहाँ से मिलेगा, बैटरी की पॉजिटिव से। तो अगर हम इस बैटरी की पॉजिटिव लाइन से दोनों साइड में वोल्टेज चेक करेंगे तो आउट माइनस में हमें मिलेगा माइनस 12 वोल्ट और आउट प्लस में मिलेगा हमें प्लस 12 वोल्ट। ओके, तो ये प्लस 10 वोल्ट मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, ये लगभग आसपास रहने से ही चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डायग्राम के बारे में। तो ये हो गया आपका 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से 12 वोल्ट आउट हुआ, वो जाएगा एक स्विच के अंदर से इस बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल में। तो ये स्विच को बंद करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका बंद होगा। और इसका जो आउट प्लस माइनस इन दोनों के बीच 24 वोल्ट बन गया, तो ये दोनों जाएगा आपका बोर्ड में। तो ये डायोड क्यों है ये बाद में बताता हूँ। और जो जीरो है मतलब ये प्लस 12, ये माइनस 12 वोल्ट बन गया। और जो जीरो वोल्ट लाइन है वो डायरेक्टली आपका बैटरी की पॉजिटिव से आ जाएगी। होम थिएटर के बोर्ड में आप देखेंगे कि दो कैपेसिटर रहते हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर, वो पावर लाइन में रहती है, सीरीज में रहती है, मतलब कि एक का माइनस दूसरा का प्लस के साथ कनेक्टेड रहती है, और इसका प्लस और इसका माइनस जो है अलग अलग रहती है। तो ये जो प्लस है इसमें लगेगा प्लस 12 वोल्ट, और ये जो फाइनल माइनस है इसमें माइनस 12 वोल्ट लगती है, और जो बीच में कॉमन पॉइंट है इसमें लगती है जीरो वाली लाइन। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर 12 की कनेक्शन हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं ये दोनों डायोड क्यों लगाया। तो ये ना लगाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो भी होम थिएटर आपका चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप करंट से इसको चलाएंगे, मतलब ट्रांसफार्मर से वोल्टेज से जब चलाएंगे इसको, तब ये वापस बैक करंट भेजेगा, वो इस बोर्ड को डैमेज कर सकता है। इसलिए बैक करंट को रोकने के लिए ये दोनों डायोड लगाया। तो इससे क्या होगा, करंट पॉजिटिव करंट इस तरफ जा पाएगी, नेगेटिव करंट इस तरफ आ पाएगी, लेकिन जो है ये उल्टा डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, उल्टा डायरेक्शन में ये नहीं जा पाएगी। तो इस बोर्ड में बैक करंट नहीं आएगा, तो इस बोर्ड को वो डैमेज नहीं करेगा जब आप करंट से या ट्रांसफार्मर से जब इसको चला रहे होते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक वाइटल बात बता दूं, आप इसको ओनली बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, इस बैटरी से ही ओनली चला सकते हैं इसको, कभी भी आप SMPS से इसको चला नहीं सकते हैं। ओके, 12 वोल्ट के SMPS से आप इसको क्यों नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये जो जीरो है 12 की जो जीरो है, इसमें करंट अंदर भी आना चाहिए और बाहर भी जाना चाहिए, दोनों ही कनेक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए बैटरी की जरूरत है, बैटरी करंट को अंदर भी ले सकता है और करंट को बाहर भी भेज सकता है, इसलिए ये बैटरी के प्लस से जीरो को मैंने लिया। लेकिन जब आप SMPS से इसको चलाएंगे तो SMPS ओनली करंट को बाहर भेज सकता है लेकिन अंदर नहीं ले सकता वोल्टेज को। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी के टर्मिनल में अगर कोई करंट भेजना चाहता है तो ये करंट को अंदर लेके बैटरी खुद चार्ज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन
SMPS तो चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए ये करंट को इंटेक नहीं कर सकता है, ये बस आउटपुट कर सकता है, तो इसलिए ये SMPS से नहीं चलेगा। तो मैंने एक बार इसको SMPS में लगा के देखा तो ये IC जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है और SMPS से 4-5 एम्पियर करंट खींच रहा है जब कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसको अगर आप ज़्यादा देर SMPS से चला देंगे तो ये IC उड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो भाई साहब ये रहा मेरा होममेड होम थिएटर, तो इसको मैंने घर में बनाया था और इसमें 20-30 IC का दो बोर्ड है, तो इसको मैंने 5.1 चैनल की होम थिएटर बनाया, तो इससे 5 स्पीकर लगती है और अंदर में एक स्पीकर है जो कि बेस देता है, मतलब कि ये 6 चैनल की स्पीकर है, तो इसलिए मैंने दो बोर्ड लगाया। तो आप एक बोर्ड को इग्नोर कीजिए तो ये आपके जैसा ही होम थिएटर है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए जो पावर कैपेसिटर की बात कर रहा था, तो ये दोनों पावर कैपेसिटर है, तो इन दोनों का इस तरफ जो इसका माइनस है इसका प्लस है, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से आपका 0 कनेक्ट होगा। इस साइड में जो इसका पॉजिटिव है उससे +12 और इस साइड में इसका जो फाइनल नेगेटिव है इससे -12 लग जाएगी। ओके, तो इसलिए मैंने इस बोर्ड का इन दोनों कैपेसिटर सेम है, कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं इन दोनों से ये तार को मैंने निकाला। ओके, तो इसको आपको दिखा दूँ, तो ये इसका पॉजिटिव में है इसका प्लस तार, इस कैपेसिटर का पॉजिटिव में, और इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव है फाइनल नेगेटिव उसमें है ये माइनस तार। ओके, तो ये तार जो है यहाँ पर बंडल बना हुआ है, तो इसका जो आउटपुट है इसमें हम 24 वोल्ट आउटपुट दे देंगे इसमें, और जो बीच की 0 है वो इस बोर्ड का कॉमन ग्राउंड कहीं से भी आप ले सकते हैं। इन दोनों कैपेसिटर का जो कॉमन पॉइंट है, मतलब कि 0 है, वो स्पीकर की माइनस में भी रहती है, वो सेम पॉइंट होता है। तो ये मैंने एक स्पीकर का तार निकाल के रखा, तो इसका माइनस से मैं उस 0 वाली पॉइंट को लगा दूंगा। ओके, तो ये कोई भी स्पीकर का माइनस से भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये होता है आपका ग्राउंड कनेक्शन, तो वो ग्राउंड ही होता है 0। तो आइए कनेक्शन कर देते, तो ये दोनों है +-12 वोल्ट, इनको इस बोर्ड का आउटपुट में मैं लगा दूंगा इस तरीके से। अब हम इसमें कनेक्शन देंगे और ये जो ग्राउंड की 0 वाली है, मतलब स्पीकर की माइनस है, इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा के मैं इसमें बैटरी में लगा दूंगा। अब इस नेगेटिव को दे दूंगा तो ये जो होम थिएटर है ये चालू हो जाएगा। देखिए ब्लूटूथ स्मेल, ये देखिए इसका ब्लूटूथ बोर्ड भी चालू हो चुका है और इसमें हम अब ऑडियो चलाएंगे। देखिए मेरा जो प्लग है ये भी खुला हुआ है और इसमें कोई बाहर से कनेक्शन नहीं आ रहा है। ये जो लाइट कैसा लगा है इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये काफी अच्छा दिखता है ये लाइट। अब आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ, तो बैटरी के वोल्टेज है मेरा 12 वोल्ट और इस कन्वर्टर से जो आउटपुट में वोल्टेज आ रही है वो है 23 वोल्ट जैसा, तो इससे होम थिएटर मेरा काफ़ी आसानी से चल रहा है, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम बढ़ा के भी दिखाता हूँ, तो ये देखिए काफी हाई वॉल्यूम में भी चलता है। और ये बोर्ड थोड़ा सा ही गर्म हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कम गर्म हो रहा है ये बोर्ड, नो प्रॉब्लम। अब हम बैटरी से करंट कंसम्पशन देखेंगे, बैटरी से ये कितना करंट लेता है। ब्लूटूथ मोड, अब ये 0.5 एम्पियर करंट ले रहा है बैटरी से। अब हम ऑडियो चला देते हैं, ये देखिए फुल वॉल्यूम पे ये 1 एम्पियर जैसा लेता है। दोस्तों
स्मार्ट एक्सप्रोकिट्स एक इंडियन ऑनलाइन साइट है जो आपको रिजनेबल प्राइस में ऑफलाइन जैसा प्राइस में कंपोनेंट सेल करता है और ये आपके घर तक डिलीवरी कर देता है। कुछ चीज़ें का मैं दाम दिखाता हूँ, ये देखिए जो ऑफलाइन जैसा प्राइस है बिल्कुल वैसा प्राइस में हमें मिल जाता है प्रोडक्ट्स। और आज हमने जो बूस्ट कन्वर्टर यूज़ किया उसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये 95 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन जो अमेजोन में आप सर्च करेंगे तो ये मिलता है थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ये 200 के ऊपर प्राइस है। तो इनसे आप ले सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तो इस चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आप विजिट कीजिए, इस चैनल के वीडियो सब देखिए, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम 29 रुपीज़ से आप इस चैनल में ज्वाइन होकर मेंबर बनके सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।